10 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे और इसी के लिए अब विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ साथ अब केदार पंचमुखी उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना हो गई है। सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के साथ बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली निज धाम के लिए रवाना की गई है। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। बाबा केदार के जयकारों से माहौल गुंजायमान हो गया। इसके लिए ओंकारेश्वर मंदिर को 8 क्विंटल फूलों से सजाया गया। ओंकारेश्वर मंदिर में केदारपुरी के रक्षक बाबा भैरवनाथ की पूजा के साथ केदारनाथ के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को खोले जाने हैं, तैयारी पूरी है। राव शफात अली हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर मौजूद है। राव शफात अली, पहले से तैयारियां कर ली गई थी कपाट खोलने की, लेकिन अब भावनाएं लोगों की जुड़ी हो रहती हैं। आज ओंकारेश्वर मंदिर को भी फूलों से सजाया गया, कई क्विंटल फूल लगाए गए, क्या नजारा था, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह था, और थोड़ा सा बताइए इस परंपरा के बारे में भी। जी कमल, देखिए उत्साह रहता है और क्योंकि लोगों को इंतजार रहता है कि कब बाबा के कपाट खुलेंगे और कब वो दर्शन करेंगे, तो बड़ी संख्या में जो स्थानीय श्रद्धालु हैं वो भी मौजूद थे, बाहर के श्रद्धालु भी मौजूद थे। और एक परंपरा है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है, तारीखें निर्धारित होती हैं, क्योंकि कमल 10 मई को बाबा केदारधाम के कपाट खुलेंगे, चारधाम की यात्रा का आगाज हो जाएगा, गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट खुलेंगे और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। लेकिन क्योंकि जब कपाट बंद होते हैं कमल, तो विधि विधान के साथ डोली को ऊखी मटके ओंकारेश्वर मंदिर में रखा जाता है, बाबा वहां पर विराजमान रहते हैं। और जब तिथि निर्धारित की जाती है चारधाम के लिए कपाट खुलने की, तो उसी विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ बाबा की डोली को रवाना किया जाता है। तो उस दौरान जो स्थानीय लोग हैं वो भी रहते हैं। और अब क्योंकि एक पड़ाव होता है अलग अलग, जब डोली चलती है तो आज सुबह से जब डोली रवाना हुई तो फाटा एक क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पहुंचेगी 7 मई को, उसके बाद 8 मई को गौरीकुंड डोली पहुंचेगी, इसी तरह से जो अगला पड़ाव रहेगा फिर केदारधाम का रहेगा 9 मई को, और 10 मई को सुबह 7 बजे पूरे विधि विधान के साथ, पूजा अर्चना के साथ और केदारधाम के कपाट खुल जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। और श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा के कपाट खुलेंगे, कब दर्शन करेंगे। बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो ये एक परंपरा भी है, उत्साह भी है, और बाबा के दर्शन करने का उत्साह देखा जा सकता है तस्वीरों में साफ, और रजिस्ट्रेशन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुंचने वाले हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए राव शफात अली, इस खबर पर आपका।